हे लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों को 5 आसन बताऊंगी। पहला है धनुरासन। सबसे पहले मेट पर धीरे से उल्टे लेट जाएं। इस स्थिति में लंबी गहरी सांस भर के फिर धीरे धीरे एक एक करके अपने पैरों को अंदर लाना है। अपनी बॉडी को थोड़ा ऊपर उठा के एक एक करके अपने दोनों पैरों को पकड़े और पैरों को बाहर की तरफ खींचे, दोनों तरफ से खींचे। 30 सेकंड्स तक इसी स्थिति में रहें। धनुरासन किस प्रकार किया जाता है, इसके क्या क्या फायदे हैं और ये किस किस को नहीं करना चाहिए, ये सभी कुछ मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। अब आप लोग अपने हाथों और पांवों को सीधा करके लेट जाएं। जिसे भी हर्निया की प्रॉब्लम हो वो इस आसन को ना करें। ये आसन आपके पेट की चर्बी को पूरी तरीके से कम कर देता है और आपकी कमर को फिर से शेप में ले आता है। ये मोटा पेट आपकी पर्सनालिटी को खराब करने के साथ साथ आपको कई छोटी बड़ी बीमारियां दे जाता है। सो आज का दूसरा आसन है नौकासन। नौकासन करने के लिए कमर के बल सीधा लेट जाएं, सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने पैरों को 30 डिग्री पर उठाएं और अपने हाथों को पैरों के समानांतर लाते हुए अपने शरीर को नौका के आकार में बनाएं और शरीर को 30 सेकंड्स तक इसी स्थिति में रखें। इस आसन से भी कमर का सारा फैट चला जाएगा। यह बहुत ही असरदार आसन है, कमर दर्द वाले व्यक्ति इसे ना करें। ये 5वां आसन आपको फिट बनाए रखने में और आपके पूरे बॉडी से फैट को निकालने में काफी कारगर है। आप मेरे ही फोटोज को देख सकते हैं जो थंबनेल पे लगाई हुई है मैंने। उसमें मेरे एक फोटो 75 kg का है मेरा और दूसरा वाला जो मेरा फोटो है 50 kg का है। इन्हीं योगा आसनों द्वारा मैंने अपने शरीर को फिर से शेप में लाया है। आप चाहें तो आप भी अपने वेट को कम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे भुजंग आसन। यह आसन बहुत ही सरल है। भुजंग आसन कमर दर्द का रामबाण इलाज है। मैट पर उल्टा लेटकर अपने चिन को मैट पर रखते हुए दोनों हाथों को अपने कंधों के आसपास रखेंगे और पैरों को बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। जितना ऊपर आ सकते हैं उतना ऊपर आएंगे। पैरों को मिला कर रखें। 30 सेकंड्स तक रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। यह भी पेट की चर्बी को कम करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। यह आसन बहुत ही सरल आसन है। भुजंग आसन कमर दर्द का रामबाण इलाज है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट आसन की तरफ चलते हैं। सो हम अपना 4वां आसन करेंगे। 4वां आसन है पवन मुक्त आसन। यह बहुत ही आसान योगासन है। इस आसन में आप अपने कमर के बल लेट जाएं और अपने पैरों को इस तरह से ऊपर लेके आए और अपने हाथों से ऐसे पकड़ ले और सांस बाहर छोड़ते हुए अपने सर को अपने घुटनों पर लगाकर 30 सेकंड्स तक होल्ड करके रखें। ये आसन भी बहुत ही असरदार है और पेट की चर्बी को कम करने के लिए है। इस आसन से गैस और कब्ज की समस्याओं से राहत मिलती है। पीठ व पेट की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। हाथों व पैरों की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। अगर आप लोगों को गर्दन और कमर की कोई भी समस्या हो तो इस आसन को ना करें। हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति भी इस आसन को ना करें। वैसे यह आसन बहुत ही लाभदायक है। पाचन क्रिया में भी इससे मदद मिलती है। योग शरीर व मन का विकास करता है, इसलिए हमें रोज योग करना चाहिए। ये आसन स्ट्रेस को भी खत्म करता है। ये सभी आसन आप रोज कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट आसन है उत्तान पाद आसन। घुटनों व कमर में दर्द वाले ये आसन ना करें। सो चलिए अब हम करते हैं उत्तान पाद आसन। इसे करते समय अपनी सांस को बाहर निकाल दे। अब हम अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे
ऊपर लेकर आएंगे और 30 डिग्री के कोण पर लाकर रोक कर रखेंगे। इस आसन को भी 30 सेकंड्स तक करें और अपने हाथों को ज़मीन पर लगा कर रखें, जिससे आपको सहारा मिलेगा। इस आसन से आपके पेट की चर्बी कम होती है और आपकी कमर फिर से शेप में आने लगती है। और 30 सेकंड्स के बाद फिर से अपने पैरों को नीचे ला सकते हैं। अगर आप लोगों को ये आसन पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसे लगे, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।